हाय फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी बिना ओवन बिना माइक्रोवेव। आप लोग भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 गिलास पानी दिया है। इसको हल्का सा बॉइल्ड कर दूंगी चिकन को, ताकि अच्छे से ये पक जाए। इसमें मैं थोड़ा सा दालचीनी, 4 लौंग और 2 इलायची डाल दूंगी। और इसमें मैं अदरक को कूट कर थोड़ा सा डाल दूंगी। 1 आधे साइज का नींबू, 1 थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी और हल्का सा नमक डाल दूंगी। अब इसमें मैं लेग पीस डाल दूंगी। इसको अच्छे से पकने दूंगी 5 मिनट के लिए। इसको पकने दूंगी। अब इसको मैं अच्छे से ढक देती हूँ। ये मैं चिकन मैं पकने देती हूँ, जब तक मैं तंदूरी के लिए मसाला बना लेती हूँ। आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 तीखा लाल चिल्ली पाउडर है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। अब इसमें मैं तंदूरी मसाला, एवरेस्ट का तंदूरी मसाला डालूंगी। अब इसमें मैं कर्ड डालूंगी, मतलब दही। अब इसमें मैं नमक डालूंगी और 1 आधा नींबू निचोड़ के डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। जब मेरा चिकन पक जाएगा तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी चिकन के साथ। ये मिक्स हो गया, ये मेरा चिकन पक गया है। अब इसको मैं मसाले में कोटिंग कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कीजिए इसको, अंदर तक फ्लेवर इसमें अंदर तक जाएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा। अब इसमें आएंगे तो अच्छा। अब इसको मैं दूसरा वाला मिक्स कर लूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करें अंदर तक। खाने में ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी और इसको थोड़ा हीट होने दूंगी। थोड़ा सा हीट हो गया, अब इसमें मैं डाल दूंगी चिकन लेग पीस। जो भी मसाला बचा है ऊपर से इसमें डाल देती हूँ। अब इसको मैं ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। अब इसको मैं दूसरी तरफ पलट लूंगी। मेरा पक गया है एक साइड, एक तरफ से देखिए मेरा पक गया है। हम दूसरी तरफ पलट दिए।
अब इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढककर बनाएंगे। ये देखिए मेरा पक गया है। अब इसको मैं स्मोकी अच्छी करने के लिए गैस पे पकाऊंगी फ्लेवर देने के लिए। ये देखिए मैंने स्मोकी फ्लेवर दे दिया है। अब ये तैयार है। अब मैं दूसरे को भी स्मोकी फ्लेवर दे देती हूँ। इस टेस्ट बहुत टेस्ट आएगा इसको ऐसे करके स्मोकी देने से। ये देखिए मेरा चिकन तंदूरी तैयार हो गया है। अब इस पर मैं थोड़ा चाट मसाला स्प्रेड कर देती हूँ और इसमें थोड़ा सा नींबू। और आप लोग इंजॉय कीजिए और बताइए कैसा बना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कैसा बना।